नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा, ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। बन लगाना तो दूर योजना की नींव पट्टिका भी गायब। 30 साल पहले बन लगाओ रोजी कमाओ योजना का पूर्व प्रधानमंत्री ने किया था आगाज। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 7 मील के पास ट्रक पर गिरे पत्थर, चालक घायल। किन्नौर के निगुलसरी हादसे में 3 और शव बरामद, पहाड़ तले दबी जिंदगियों की तलाश जारी। सदन में तमाशा कर रहा विपक्ष, सीएम बोले पार्टी के पास नहीं कोई अनुभवी नेता। पेगासस प्रकरण और किसानों की समस्याओं को लेकर विपक्ष का संसद से विजय चौक तक मार्च। भूंतर में अब ऐसे बनेगी कुकिंग गैस और खाद, कीमत भी बेहद कम, ढाबा संचालकों को बड़ी राहत। निगुलसरी हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख देगी सरकार, घायलों को 50,000। सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को आदेश, उपभोक्ता अदालतों में 8 हफ्ते में भरो खाली पद। अगली बार मेडल का कलर बदल कर लाएंगे, पुरुष हॉकी टीम के दिग्गज विवेक सागर का दावा। अब खबरें विस्तार से। बन लगाना तो दूर योजना की नींव पट्टिका भी गायब। 30 साल पहले बन लगाओ रोजी कमाओ योजना का पूर्व प्रधानमंत्री ने किया था आगाज। 3 दशक पहले पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना के आगाज का नींव पत्थर तक गायब हो चुका है। वहीं वीरान पड़ा जमीन का एक बड़ा रकबा योजना की नजरअंदाजी का प्रमाण दे रहा है। कैप्टन विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय मार्ग पर 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शांता कुमार ने बन लगाओ रोजी कमाओ जैसी महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर द्वारा कराया था। 30 वर्षों के दौरान इस स्थान का कितना ध्यान रखा गया, इसकी गवाही बैचबुत्रा दे रहा है। जहां कभी नींव पट्टिका नजर आती थी, जो अब गायब हो चुकी है। पूर्व विधायक प्रवीण कुमार ने संबंधित संस्थान के निर्देशक और वन मंडल अधिकारियों को पत्र लिखकर इस स्थान को चंद्रशेखर वाटिका के तौर पर विकसित करने का आग्रह किया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 7 मील के पास ट्रक पर गिरे पत्थर, चालक घायल। बरसात के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। बुधवार देर रात करीब मंडी से पंडोर रोड पर 7 मील के पास चट्टान गिरने से एक ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। मार्ग को गुरुवार सुबह 10 बजे यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। ट्रक में एक व्यक्ति ही सवार बताया जा रहा है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए जोनल अस्पताल मंडी लाया गया है। अतिरिक्त जिला उपायुक्त मंडी जतिन लाल ने बताया कि हाईवे को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। किन्नौर के निगुलसरी हादसे में 3 और शव बरामद, पहाड़ तले दबी जिंदगियों की तलाश जारी। किन्नौर जिला के निगुलसरी के चील जंगल के पास हुए हादसे में 3 और लोगों की मौत हो गई। गुरुवार सुबह 100 मीटर गहरी खाई से 3 और लोगों के शव निकाले गए हैं। इसी के साथ अब तक 13 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। बता दें कि बुधवार को एक बड़े पहाड़ ने 5 वाहनों को बुरी तरह से पीस दिया था। हादसे की चपेट में लगभग 3 दर्जन लोग आए, जिनमें से 13 शव बरामद कर लिए गए हैं और इतने ही घायलों को बचाकर अस्पताल भेज दिया गया है। अभी कितने लोग लापता हैं, कितने दबे हुए हैं और कितनों ने जिंदगी की जंग हारी है, कोई नहीं जानता। सदन में तमाशा कर रहा विपक्ष, सीएम बोले पार्टी के पास नहीं कोई अनुभवी नेता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस विधायक सदन में बेवजह उछल कूद कर रहे हैं, उन्हें समझाने वाला कोई अनुभवी नेता नहीं है। विपक्ष के पास नेतृत्व संभालने वाले लीडर की साफ कमी खल रही है। सीएम ने कहा कि सदन में पहुंचने से पहले ही ये लोग अपना सामान समेटना शुरू कर देते हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के वॉकआउट पर आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा कि सिर्फ खबर बनाने के लिए कांग्रेस विधायकों ने विचित्र स्थिति पैदा की है। सीएम ने कहा कि मंगलवार को किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी को चर्चा में हिस्सा लेने की व्यवस्था दी गई थी, बावजूद इसके वे चर्चा से भटक कर कहीं और चले गए। जनसंघ और आरएसएस से होते हुए विक्टोरिया तक पहुंच गए। कांग्रेस विधायक अपनी चर्चा को उस दिशा में ले गए जहां मूल चर्चा का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। पेगासस प्रकरण और किसानों की समस्याओं को लेकर विपक्ष का संसद से विजय चौक तक मार्च। विपक्षी दलों के सांसदों ने किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों को रद्द करने तथा कई अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। करीब 15 विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन से विजय चौक की ओर मार्च किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में ये मार्च किया गया। श्री गांधी ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि संसद सत्र के दौरान लोकतंत्र की हत्या की गई। विपक्ष पेगासस जासूसी कांड, किसानों की समस्याएं तथा कई अन्य मुद्दों पर चर्चा कराना चाहता था, लेकिन सरकार ने उसे नहीं होने दिया। विपक्ष पेगासस कांड पर व्यापक चर्चा चाहता था, लेकिन सरकार ने उसे नहीं होने दिया।
भुंतर में अब ऐसे बनेगी कुकिंग गैस और खाद, कीमत भी बेहद कम, ढाबा संचालकों को बड़ी राहत। जिला कुल्लू की सबसे बड़ी भुंतर सब्जी मंडी में फल सब्जियों के बेस्ट से कुकिंग गैस व खाद बनेगी। एपीएमसी कुल्लू ने सब्जी मंडी भुंतर में फल सब्जियों के कचरे की प्रोसेसिंग के लिए एक जैविक कचरा प्रोसेसिंग बायो मैकेनिकल प्लांट स्थापित किया है। मशीन की क्षमता प्रतिदिन 1 टन ऑर्गेनिक कचरे से गैस व खाद बनाने की है। यहाँ पैदा होने वाले कुकिंग गैस सब्जी मंडी के करीब 1 दर्जन ढाबा संचालकों को सस्ते दामों पर दी जाएगी। एजेंसी जल्द ही इसके लिए पाइपलाइन बिछा देगी। निगुलसरी हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख देगी सरकार, घायलों को 50,000। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को किन्नौर जिले के निगुलसरी में आए विनाशकारी हादसा स्थल का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए NDRF व जिला प्रशासन अथक प्रयास कर रहा है। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के कारण पिछले 1 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। सीएम ने कहा कि हादसे में जो लोग जान गंवा चुके हैं उनके परिजनों को सरकार 4-4 लाख रुपए देगी, जबकि घायलों को 50,000 की मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीड़ित परिजनों के साथ है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को आदेश, उपभोक्ता अदालतों में 8 हफ्ते में भरो खाली पद। उच्चतम न्यायालय के उपभोक्ता अदालतों में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां ना किए जाने को लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए बुधवार को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन पदों पर 8 हफ्ते के भीतर नियुक्तियां करने को कहा गया है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान नाराजगी भरे लहजे में कहा कि क्या राज्य सरकारों को इस बाबत कदम उठाने के लिए कोई शुभ मुहूर्त की आवश्यकता है। अगली बार मेडल का कलर बदल कर लाएंगे पुरुष हॉकी टीम के दिग्गज विवेक सागर का दावा। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मजबूत स्तंभ विवेक सागर ने आज कहा कि निश्चित ही अगली बार हम मेडल का कलर परिवर्तन करना चाहेंगे। होशंगाबाद जिले के इटारसी निवासी विवेक सागर नियमित विमान सेवा से सुबह भोपाल पहुंचे। हवाई अड्डे पर राज्य की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, विभाग के संचालक पवन जैन और अन्य खेल प्रेमियों ने विवेक सागर का शानदार तरीके से स्वागत किया। मीडिया से चर्चा में विवेक ने कहा कि निश्चित ही हम मेडल का कलर चेंज करना चाहेंगे। ये टिप्पणी उन्होंने इस सवाल पर की कि क्या टीम अगली बार स्वर्ण पदक जीतेगी। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।